वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। अब हम थर्ड इलस्ट्रेशन करते हैं, कमेंस टू बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपीज से, तो कैपिटल सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश। हमने मोहन से नगद सामान खरीदा है तो सिंपल परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और मोहन को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, कैश गोज आउट होगा हमारा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। अजय से सामान खरीदा है हमने 1,20,000 का। अब नेम है, बस आप ये ध्यान रखो जहाँ नेम और कैश दोनों गिवन है तो हम कैश को रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझेंगे, जहाँ पे नेम गिवन है ओनली तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा क्रेडिट की होगी और नाम को रिकॉर्ड रखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू राजीव। राजीव को हमने सामान बेचा है तो नेम गिवन है तो राजीव के नेम की एंट्री करना क्या है, जरूरी है। क्या एंट्री हो जाएगी, राजीव डेबिट टू सेल्स, राजीव डेबिट टू सेल्स 40,000। लास्ट 12 डेट की एंट्री है, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। तो अब हमने ऊपर वाली एंट्री से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन नहीं है। राजीव को हमने कितने रुपए का सामान बेचा था, सेल किया था, हमने अभी एंट्री की थी राजीव टू सेल्स 40,000। अब 40,000 का 10% सामान वो हमें क्या कर रहा है, वापस दे रहा है। तो सेल किया वो सामान वापस आया तो ये हो गया अब हमारा सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होते अब सामान आ रहा है ना हमारे पास तो सेल्स रिटर्न क्या होएगा, डेबिट होगा। और कौन दे रहा है, राजीव, राजीव क्रेडिट होगा। एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न टू राजीव और अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से 40,000 का 10%, यानी कि ये एंट्री होएगी 4,000 रुपीज से, सेल्स रिटर्न टू राजीव 4,000 और ये टोटल हम यहाँ कर देंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे।